सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए अप्रेंटिस से रिलेटेड एक नया अपडेट लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के कमेंट मुझे काफी दिनों से मिल रहे थे इस टॉपिक पे कि जो जिन लोगों की अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कम्प्लीट हो गई है उनका एग्जामिनेशन फॉर NAC के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा, उसका जो है शेड्यूल DGT द्वारा अपडेट कर दिया गया है। तो ये जो एग्जाम होगा 109th अप्रेंटिस का एग्जाम होने वाला है, तो इसका जो है टाइम टेबल हमारे पास आ चुका है, ऑफिशियली आ चुका है। तो इस टाइम टेबल के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, किस डेट से किस डेट तक पूरा टाइम टेबल चलेगा, कब से कब तक आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे, कब से कब तक आपके एग्जाम होने वाले हैं, कब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन उस शेड्यूल में होगी, ऑफिशियल शेड्यूल में, उस सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाएगा हमारी वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeship.gov.in पे आना होगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको सीधे नीचे चले आना है, राइट हैंड साइड में देख लीजिए, यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट्स का कॉलम आपको मिलेगा। यहाँ सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो देख लीजिए, एक्टिविटी शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग ऑफ 109th AIEE अंडर ATS, ठीक है, ATS का मतलब अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, ठीक। तो इस पे आपको क्लिक करके इस शेड्यूल को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों अब हमने इस नोटिफिकेशन को, जो भी ये शेड्यूल है, इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मीटिंग हुई थी 14 मार्च 2019 को मीटिंग हुई थी। यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट में एक्टिविटी शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ 109th AIEE अंडर ATS टू बी हेल्ड इन May 2019, ठीक। अब यहाँ पे एक्टिविटी हम जान लेते हैं और टाइमलाइन क्या दी हुई है। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बाय कैंडिडेट आर एस्टेब्लिशमेंट ऑन apprenticeship.gov.in अंडर अप्रेंटिसिप ऑनलाइन एग्जाम। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन ये है, जिन बच्चों की अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है उनको अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको apprenticeship.gov.in वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन करना होगा। उसकी जो डेट दी गई है 15 मार्च 2019 से 15 अप्रैल 2019 तक दी गई है। लेकिन दोस्तों आज 23 मार्च 2019 हो चुका है, लेकिन अभी तक ये लिंक जो है इसका अभी तक अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। वहाँ पे देख लीजिए AIEE ऑनलाइन एग्जाम के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे देख लेते हैं, पे देख लीजिए जो भी ऊपर टैब्स आ रहे हैं इसी में आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए एक नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर 109th AIEE अंडर ATS विल बी अवेलेबल सून। इसका मतलब टाइम टेबल जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन नहीं आया हुआ है अप्रेंटिस की वेबसाइट पे। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो ऑप्शन है वो इस्टेब्लिशमेंट को करना है, जिस भी कंपनी से आपने अप्रेंटिसशिप की होगी उनको करना है। जितने भी बच्चे ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं उनका सेशनल मार्क अपलोड करना है, ये 16 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक इनको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग के जो एग्जामिनेशन सेंटर बनते हैं उसकी जो मैपिंग स्टेट ऑफिस को करनी है, या जिसे बोलते हैं RDIT, उनको करनी होती है। इनको जो टाइमलाइन दी गई है 1 मई 2019 से 15 मई 2019 के बीच में इनको कर लेना है। उसके बाद हॉल टिकट डाउनलोड फ्रॉम apprenticeship.gov.in, हॉल टिकट डाउनलोडिंग जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आपकी 22 मई 2019 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो आपका हॉल टिकट है ये आपको जिस भी कंपनी से आपने अप्रेंटिसशिप की होगी, ट्रेनिंग कंप्लीट की होगी, उसी कंपनी से आपको हॉल टिकट भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेशन ऑनलाइन एग्जाम ऑन apprenticeship.gov.in और मॉक टेस्ट DGT मॉक। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको, मतलब ट्रायल टेस्ट जो होता है, ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा अप्रेंटिस की ऑप्शंस, मतलब जो भी प्रक्रिया होती है एज ए ऑनलाइन एग्जाम देते समय उसी तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा कि ऑनलाइन एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम देने में। उसके बाद थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल,
एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एग्जाम ऑनलाइन मोड। ये एग्जाम आपके थियोरिटिकल सब्जेक्ट के एग्जाम जो है आपके ऑनलाइन मोड में होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। इसकी जो डेट दी गई है 29 मई 2019 से 31 मई 2019 के बीच में आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और कॉग्नेट एग्जाम आपके ऑफलाइन मोड में होंगे, ये 11 जून 2019 को होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ये 12 जून 2019 से 14 जून 2019 के बीच में होगा। अब उसके बाद फाइनल जो है अपलोडिंग ऑफ इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग के मार्क और प्रैक्टिकल के मार्क जो अपलोड करने का टाइम पीरियड दिया जाएगा वो दिया जाएगा RDAT को। ये टाइम पीरियड दिया गया है 15 जून से लेकर 30 जून 2019 तक। ठीक है दोस्तों, ये पूरा टाइम फ्रेमवर्क दिया है, लेकिन दोस्तों टाइम फ्रेमवर्क मुझे नहीं लगता है कि ये कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि अभी जो इनका फर्स्ट स्टार्टिंग ही टाइम फ्रेमवर्क था वो अभी लो चल रहा है। लो का मतलब 10 दिन बीतने वाले हैं लेकिन अभी तक ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो टाइम टेबल का मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा कोई मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो अपने हिसाब से जैसे हो सकता है कि नया टाइम टेबल भी अपडेट किया जाए कुछ दिनों बाद, तो अगर अपडेट होता है तो मैं आपको जानकारी दूंगा, या फिर जैसे ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे अप्रेंटिसशिप के तो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और इस शेड्यूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप इस शेड्यूल को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं हमारे ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले संडे के Q&A में आपके क्वेश्चन को रखा जाए तो आप हमें #ask लगा के अपना कमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन को आपके कमेंट को Q&A सेशन में रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।